देखिए, सरकार को यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है। यूसीसी नहीं ला सकते। जो उत्तराखंड में जो भी यूसीसी लाए वो कहाँ यूसीसी है? उसमें यूसीसी थोड़ा इसको कहा जाता है। यूसीसी तो वो होगा कि इंडिया में बसने वाले 140 करोड़ आदमी, हर किसी का जो समानता हर काम में, तो उसको कहा जाएगा यूसीसी। लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें कुछ शादी बिया, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में, ये सब है। अब पॉलीगेमी, इसी तरह कुछ चीजें है उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला यूसीसी भी टोपी पहनाया उसको। तो आसाम में भी ये ट्राई कर रहा था कि यूसीसी लाएंगे, तो मेरे ख्याल में यूसीसी ला नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं जो यूसीसी यहाँ लाके जो करना चाहते हैं वो खुद उनके कम्युनिटी में है। आप बीजेपी के फॉलोअर्स वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। पॉलीगेमी की बात कर रहे थे ये जोरों शोर से। बीजेपी के बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कम्युनिटी है जिनके यहाँ पॉलीगेमी है। आप उसको बैन नहीं कर सकते। इसी तरह और कई चीजें हैं जिसको संभव नहीं है। इंडिया में इतने कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं और इंडिया का इतना सुंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को उनका अपने अपने धर्म पे रह के, अपना कास्ट कम्युनिटी के जो कस्टम है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको अपनाते हुए उसको चलने का रास्ता इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। और उसमें बढ़िया है, उसमें फ्रीडम ऑफ फेथ है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये सब चीजें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसको नहीं बातिल कर सकते। ये इनका सामने इलेक्शन है, सिर्फ ये धंधाबाजी है। मुसलमान को टारगेट करना, किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, ये इनका लक्ष्य है। इसीलिए आसाम में देखिए आप, ना वो पॉलीगेमी पे कोई बिल लाने वाले थे, नहीं ला पाए अभी। यूसीसी पे भी बिल लाने वाले थे, उसको भी नहीं ला पाया। अभी हिम्मत नहीं हुई इनकी। ये भी जानते हैं लाएंगे तो कोर्ट में जाके वो गिर जाएगा। इसलिए अभी द असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का जो है उसको ये रिपील कर रहा है। ये कैबिनेट ने कल ये डिसीजन लिया है। कैबिनेट को, आसाम कैबिनेट को ये हक कहाँ है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के लोगों को दे रखा है। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या? मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलाउ किया है उसी हिसाब से होगा। आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है। तो इनका ये भी खुद जानते हैं, भैको भावना है। अब ये इलेक्शन है सामने, लोगों को टोपी पहनाने का एक इनका ये है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं इसमें कुछ है। लेकिन कैबिनेट ने ये भी एक्चुअली डिसीजन लिया गया है कि जो इस पर 94 मुस्लिम मैरिज रजिस्टर्स उनको रिहेबिलिट करने के लिए 2-2 लाख रुपए सरकार की तरफ से देंगे आफ्टर द रिपीलिंग ऑफ दिस एक्ट। तो किसको क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये मसला नहीं है। किसको 2 लाख दे रहे हैं, किसको 3 लाख दे रहे हैं, किसको 5 लाख, किसको भीख दे रहे हैं, किसको बेनिफिशियरी बना रहे हैं, वो मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आसाम कैबिनेट को ये राइट किसने दिया कि तुम एक कम्युनिटी के लोग, जहां आसाम में 36% पॉपुलेशन है और उनका जो एक मैटर है, इम्पोर्टेंट मैटर, जो शादी विवाह तलाक, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ कर रखा है, उसमें आसाम के कैबिनेट को किसने हक दिया है कि तुम रातों रात उसमें कैबिनेट में लाके डिसीजन ले लो और उसको बातिल कर दो, उसको रिपील कर दो? इनको ये हक ही नहीं बनता। और ये हाँ कुछ बहाना किया है, आप देखें उसको लाने दीजिए। कैबिनेट ने क्या, अभी तो बातें बाहर आ रही कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, किसको रिपील किया है, क्या ला रहे हैं, कोई बिल वो ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? अगर कुछ बिल ला के असेंबली में ले करते हैं तो हम उसको देखेंगे क्या है उसमें। अगर उसमें कुछ नहीं है, टाइट टाइट फिश फिश है, तो फिर कहना कुछ भी नहीं है। चूंकि यूसीसी लाने की इनको हिम्मत हुई नहीं। पॉलीगेमी पे बैन लगाने की बात कर रहे थे, बहुत नाच रहे थे उस पे, वो नहीं कर रहे थे चूंकि उनपे गिर रहे थे। अब ये ज्यादा प्रैक्टिस उनमें ही होता है। यूसीसी लाएंगे तो उनके अंदर इतने आपस में बीजेपी के फॉलोअर्स के अंदर इतना मारामारी होगा कि वो हिम्मत उनको नहीं हुई। इसलिए अब चलो कुछ कर लेते हैं। इसलिए अगर कैबिनेट ने ये फैसला लिया है,
तो हम उसको लाने दीजिए, क्या डिसीजन लिया है वो बाहर आएगा। अगर उसको विधानसभा में वो ले करते हैं, कोई बिल लाते हैं, रिपीलिंग बिल लाते हैं, हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, और जो भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, जहां भी आसाम कैबिनेट को हक नहीं होगा कि वो नहीं ला सकते, उसका हम विरोध करेंगे, जोरदार विरोध करेंगे हम। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा तो कोई बात नहीं है, अगर इंडिया का दस्तूर के मुताबिक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कुछ होगा, तो फिर उस पर कुछ बात करना ही नहीं, ठीक है।